नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होने की वजह से ये तारीख बेहद अहम है। मजदूर दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बलिया में आज जब पीएम मोदी उज्ज्वला योजना की शुरुआत कर रहे हैं, इधर पटना में कई मजदूर संगठनों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। बात झारखंड की करें तो सीएम रघुवर दास श्रम कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं का आज लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो बिहार और झारखंड में मजदूर दिवस को लेकर क्या कुछ है खास, पूरी जानकारी के साथ पटना से जुड़ रहे हैं जीबीडीएस संवाददाता रूपेंद्र श्रीवास्तव और रांची से जुड़ रहे हैं जीबीडीएस संवाददाता सन्नी शरद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। मजदूर दिवस के मौके पर आज जब पटना में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बिल्डिंग निर्माण मजदूर यूनियन और हिंद मजदूर महासभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश यादव, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह और मंत्री महेश्वर हजारी भी शिरकत करेंगे। इधर इंटक अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह के नेतृत्व में केंद्र की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ एक रैली निकाली जाएगी। वहीं श्रम संसाधन विभाग की ओर से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो मजदूर दिवस है आज, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर बिहार और झारखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार और झारखंड में कई कारखाने हैं, यहाँ पर कई मजदूर काम करते हैं। आज उनके लिए खुशी का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन कई मजदूर ऐसे होंगे जो कि अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करेंगे। कई मजदूर ऐसे होंगे जो आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाएंगे। क्या कुछ बिहार और झारखंड में लबलुआब देखने को मिल रहा है मजदूर दिवस का, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलेंगे बिहार की राजधानी पटना, जहां मौजूद हैं जी मीडिया संवाददाता रूपेंद्र श्रीवास्तव। रूपेंद्र, क्या कुछ लबलुआब है आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करें तो राहुल, पटना में जैसे देखा जाए तो कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बिहार सरकार के जो कई मंत्री हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक तरह से देखा जाए तो कई संगठन हैं उनके द्वारा भी मजदूर दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन मजदूरों के दिल में दर्द है, कई कार्यक्रम तो जरूर हो रहे हैं, मंत्री शिरकत करेंगे, कई संस्थाएं करेंगी, लेकिन मजदूरों के दिल में दर्द है। हमारे साथ कुछ मजदूर हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मजदूर दिवस है, आप जानते हैं आज मजदूर दिवस है? जानते हैं कि हम लोग का काम भी नहीं मिल रहा है, दिन भर अपना ही भटकते रहा है, काम खोजने पर काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस के बारे में जानते हैं, काम वो मिलता है? जी ना, काम ना मिलता है, बैठक है, काम नहीं मिलता है, ना मिलता है, काम काम नहीं मिलता है। आपसे जानेंगे, मजदूर दिवस है आज, ऐसे आप प्रतिदिन 365 दिन यहाँ बोरिंग और चौराहे पर रहते हैं, मजदूरी कितना दिन कर पाते हैं, क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती हैं? मजदूरी समझे ना कि अगर 10 दिन कमाया तो 15 दिन बैठ ही गया, हमेशा काम नहीं मिलता है। समझो कि महीना में 15 दिन कमाया तो 15 दिन बैठ ही जाना है। क्या क्या मजदूरियाँ झेलनी पड़ती हैं? लेना पर सबसे गिट्टी बालू हुआ सभी ढोरे का आदमी काम करता है, कोई ना कोई काम आता है तो देखना पड़ता है, कभी आता है कभी अभी नहीं। अभी देखो काम के इंतजार में सभी बैठे हुए हैं, एक भी पार्टी नहीं आया अभी तक किसी काम में भी। जब काम नहीं मिलता है तब परिवार कैसे चलता है? परिवार कैसे चलता है, देखिए उसी तरह किसी तरह झेलना पड़ता है अभी तक, अभी क्या करें। राहुल, तो ये मजदूरों का दर्द है और साफ तौर पर मजदूरों का बिल्कुल और दर्द को जरा और छलकाए रुपेंद्र, पूछने की कोशिश करें जरा इन मजदूरों से कि जब इन्हें मजदूरी नहीं मिलती तो इनके परिवार का पेट कैसे भरता है, और बड़ा सवाल ये कि इन्हें किस तरह की सरकारी मदद चाहिए, क्योंकि सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है मजदूरों के लिए, कल्याण के लिए और जनता के लिए, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर भी इनकी मांगे न सुनी जाए तो ये पूरी तरह से इनके साथ नाइंसाफी होगी। रुपेंद्र, जी हम जरूर कुछ और मजदूर हैं, हम उनसे बात करेंगे। सरकारी मदद आप लोगों को क्या क्या चाहिए, आप लोग को क्या लग रहा है कि सरकारी मदद कितना मिलना चाहिए आप लोगों को? मजदूरी मिलना चाहिए 500-600। आपसे जानेंगे कि सरकारी मदद क्या मिलना चाहिए? सरकारी काम मदद मिलना चाहिए, सरकार सभी काम ही नहीं आ रहा था, क्या बताए। अभी तो पार्टी पार्टी कंपनी चाहिए, अपने बिहार में तो खाली समझो कि पार्क ही बन रहा है, फैक्ट्री एको है, खाली समझो कि पार्क ही बन रहा है, फैक्ट्री लगता तब ना कोई मजदूर काम करता, खाली पार्क में कितना होगा काम।
ये देखो ना खाली बिहार में खाली पार्किंग बन रहा है। आपसे जानेंगे कि क्या चाहिए सरकारी मदद आप लोगों को? हमें बोले ना वो। चलिए साफ तौर पर रुपेंद्र लब्बुलुआब यहां पर यही समझा जा सकता है कि सरकारी मदद की आस में ये लोग लंबे समय से इंतजार किए बैठे हैं, लेकिन इनकी मांग नहीं मानी जाती है, इसका दर्द इन्हें अंदर तक साल रहा। और जैसा कि रुपेंद्र मजदूर जो है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि यहां पर तमाम तरह के संसाधन बढ़ रहे हैं लेकिन फैक्ट्रियां घट रही हैं, ये एक बड़ी वजह है जिसके कारण ये लोग नाराज हैं। बहरहाल ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ खास कार्यक्रम है आज बिहार में, कौन कौन से मंत्री शिरकत कर रहे हैं, कहां कहां पर आज मजदूर जा सकते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की झलकियां उन्हें देखने को मिलेंगी। जहाँ तक बात की जाए तो नगर विकास मंत्री शिरकत कर रहे हैं, श्रम संसाधन मंत्री शिरकत कर रहे हैं और कई संगठन हैं उनके द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो इस तरह से देखा जाए, जहाँ तक मजदूरों की बात की जाए कि मजदूर जाके उनको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो मजदूर को पहले अपने पेट और रोजी रोटी का सवाल है। तो मजदूर उन कार्यक्रमों में एक तरह से देखा जाए हिस्सा ये नहीं ले पाएंगे जहाँ मैं खड़ा हूँ बोर्डिंग रोड चौराहे पर, और यहाँ के मजदूरों का साफ तौर पर कहना है कि ये लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि पहले मजदूरी जरूरी है, मजदूरी जब मिलेगा तो फिर परिवार चलेगा। तो एक तरह से देखा जाए इनके लिए वो कार्यक्रम कोई मायने नहीं रखता। राहुल बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मजदूरों के लिए एक दुखदायी बात ही है कि उनके लिए मजदूरी ज्यादा महत्वपूर्ण है जबकि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दौरान वो अपने खुशी या तकलीफ का इजहार तक कर पाए इससे पहले उन्हें मजदूरी समेटनी पड़ती है। बहरहाल बात अगर झारखंड की जाए तो मुख्यमंत्री रघुवर दास आज श्रम कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण करने जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है तो श्रम कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं का सीएम रघुवर दास लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री इससे पहले खुद टाटा में भी मजदूर यूनियन के सदस्य रह चुके हैं, उनका लंबा अनुभव है, मजदूरों के दर्द को समझते हैं वो, लंबे समय से उन्होंने मजदूरों के साथ वक्त बिताया है, लिहाजा आज हो सकता है कि श्रम संसाधन विभाग से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण करने के अलावा मजदूरों के लिए झारखंड सरकार के पिटारे से कुछ ऐसा निकले कि उन्हें राहत महसूस हो। जी मीडिया संवाददाता सन्नी शारद हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। सन्नी, मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद मजदूर यूनियन से भी जुड़े रहे लंबे समय तक टाटा कंपनी में, लिहाजा उनके दिल के दर्द को वो बखूबी समझ सकते हैं, लेकिन क्या झारखंड सरकार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर इसका कोई हल निकालने की सोच रही है? जी बिल्कुल, देखिए राहुल, आज झारखंड सरकार की ओर से मजदूरों के कल्याण के लिए कई बातें होने वाली है और इसका कह सकते हैं कि कार्यक्रम का की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद करेंगे। रांची में प्रोजेक्ट भवन में कार्यक्रम का आयोजन होना है जिसमें कि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री भी शिरकत करेंगे। मजदूरों की ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाए उनके लिए हेल्पलाइन नंबर आज जारी होने वाला है और साथ ही जो रिटर्न की सुविधा है वो मजदूरों को कैसे मिले, तो कह सकते हैं कि जो छोटी बड़ी जो भी मजदूरों के कल्याण के लिए सरकार काम कर सकती है उसकी शुरुआत आज कहीं ना कहीं झारखंड सरकार करने वाली है। और इसके बाद आज जिस तरह से मुख्यमंत्री रघुवर दास हमेशा कहते हैं कि वो मजदूर के बेटे हैं, मजदूर खुद हैं, उन्होंने यहाँ तक मजदूरी करते हुए पहुँचा है, तो रांची में कार्यक्रम के बाद वो जमशेदपुर भी जाएंगे और जमशेदपुर में भी वो कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। लेकिन उसके इतर यदि देखें तो राहुल स्थिति थोड़ी अलग दिखती है क्योंकि आज मजदूर दिवस है, भले ही संडे हो, यदि संडे नहीं रहता तो सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहती, लेकिन जिनके लिए छुट्टी होती है वो भी आज के दिन काम करने के लिए मजबूर हैं। इस वक्त हम हरमू रोड में राहुल खड़े हैं और देख सकते हैं कि हर दिन की तरह आज भी ये मजदूर घर से काम करने के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं और यहाँ पर इंतजार में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा और तोल मोल के साथ इन्हें ले जाएगा। न इनका मजदूरी जो न्यूनतम मजदूरी होता है वो फिक्स है और न ही यह तय है कि इनका काम आखिर कहाँ पर होगा। बताइएगा कि कैसे काम करते हैं, कौन यहाँ किसके यहाँ जाते हैं? मालिक के यहाँ जाते हैं, ठेकेदार के यहाँ जाते हैं, तो सरकार की तरफ से जो योजनाएं आप लोगों के कल्याण के लिए चलाई जाती है आपको पता है क्या क्या चलती है? ना क्या पता, आपको पता है। मनरेगा में भी काम किए हैं आप? किए हैं। क्यों नहीं करते हैं? मनरेगा काम करते हैं तो पैसा नहीं मिला उसी लिए नहीं कर रहे हैं।
छोड़ दिए हैं, पैसे नहीं मिलता है तो मनरेगा में तो कैसे करेंगे, बिना आप पेट पोटा तो है ही ना है सर, तो कैसे कर, पैसा मिलेगा तब ना करेंगे। आप बताइए ये जो आप लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, इससे परिवार का भरण पोषण हो जाता है? हो जाता है। कितना मिलता है? 450 आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज मजदूरों के कल्याण की बात करने वाली है सरकार, आप लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, आप ऑनलाइन हेल्पलाइन से बात कर सकते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, तो इससे क्या लगता है आप कुछ बेहतर होगा? तो हम लोग का तो देखिए कोई लेने आता है तो उसका काम करने चले जाते हैं, कोई ठेकेदार वाला आता है तो उसे ठेकेदार का भी काम कर लेते हैं, तो इसी में कि जैसे कि अपना रोजी रोटी जैसे कि चला रहे हैं, और तो क्या कहें और बस, और घर का काम अपना करते हैं बस। यहाँ हर दिन आते हैं, तय रहता है कि कोई ले जाएगा या अलग अलग लोग ले जाते हैं? तो अलग अलग ले जाता है, कोई अलग अलग मालिक आके ले जाता है, तो उसका काम करते हैं, कभी बालू ढो लेते हैं, कभी ईटा ढो लेते हैं, कभी गिट्टी, बस यही काम करते हैं और कुछ कोई बात नहीं। तो बिल्कुल राहुल, आप समझ सकते हैं कि इनके काम का दिन तय नहीं है, मनरेगा में भले ही दिन तय कर दिया गया हो लेकिन ये मजदूर वहाँ भी काम करने से कतराते हैं क्योंकि पेमेंट में काफी दिक्कत होता है, तो मजदूर दिवस के अवसर पर इन मजदूरों के दर्द को देखकर सुनकर समझा जा सकता है कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है। एक तरफ सरकारी महकमा की ओर से बात होती है मजदूरों की कल्याण की, लेकिन दूसरी ओर जमीनी हकीकत काफी उससे इतर है। सन्नी, ना मनरेगा के लिए वक्त पर पेमेंट मिलता है, मजदूरों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है, और सबसे बड़ी बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होने के बावजूद रांची के सड़कों पर ये उसी तरह से निकले हैं बाबस्ता जैसा हर दिन ये निकलते हैं। क्या इन्हें हर दिन मजदूरी मिल भी पाती है? ज्यादातर मजदूरों का जवाब होगा नहीं। ऐसे में सन्नी, क्या लगता है कि झारखंड सरकार की तरफ से ऑनलाइन मंत्री इनसे बातचीत करें या इनकी समस्याएं जानें? क्या ये अत्याधुनिक सुविधाएं मजदूरों के लिए किसी काम की हैं बजाय इसके कि उन्हें हर दिन रोजगार मिले ताकि उनके परिवार का पेट पले? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा कि जरूरी है कि इन्हें रोजगार हर दिन कैसे मिले, इनका और इनके परिवार का भरण पोषण कैसे हो, इस पर विचार करने की जरूरत है। यदि तकनीक से झारखंड सरकार खुद को कह सकते हैं कि सक्षम भी बना लेती है, लेकिन ये मजदूर तकनीक से सक्षम नहीं है कि ये ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करा सके। लेकिन जिस तरह से पहले मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराने में परेशानी होती थी, अब यदि ऑनलाइन सुविधा होती है तो मजदूर कहीं से भी जाकर करा सकते हैं, इसमें इनको थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन यदि इनके रोजगार का दिन तय हो जाए, यदि तय हो जाए कि इनकी न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलेगी, यदि यह तय हो जाए कि इन्हें काम कहाँ मिलेगा, तो इन्हें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि काफी राहत मिलेगी। और जिस तरह से राजधानी रांची के चाहे लालपुर चौक हो, चाहे रातू रोड चौक हो, चाहे बीजेपी के दफ्तर के पास हो, या फिर यह हरमू का इलाका हो, ये तमाम ऐसी सड़कें हैं जहां पर सुबह आपको हजारों की संख्या में मजदूर दिख जाएंगे, ये नजारा नहीं देखने को मिलेगा, और ये नजारा शायद बदले, और कह सकते हैं कि उसकी चलिए बदलाव की बयार बहे इसकी हम भी कामना करते हैं। लेकिन सच्चाई किसी से छुपी नहीं है सनी, कि जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं उनमें अगर 1000 मजदूर आते हैं तो 500 वापस अपने गांव लौटते हैं, इस वजह से कि इन्हें कभी कभी काम नहीं मिलता, जो कि इनके लिए बहुत दुख की बात है। देखना यह कि झारखंड सरकार क्या कुछ पहल करती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भले ही सरकार को मदद करे, लेकिन मजदूरों को कितनी मदद कर पाएगी ये प्रक्रिया, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सन्नी आपका हमारे साथ रांची से जुड़ने के लिए और इस खबर पर ताजा अपडेट देने के लिए। तो बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बलिया में शिरकत करने जा रहे हैं। मई दिवस पर महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में पीएम गैस कनेक्शन बांटेंगे। शहर से सटे मालदेपुर मोड़ के पास मैदान में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोलियम मंत्रालय के इस महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम 10 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन भी देंगे। योजना के तहत अगले 3 सालों में देश के 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे। इसके लिए बजट में 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही पीएम वाराणसी में आज पैडल रिक्शा के बदले ई रिक्शा वितरण और ई बोट योजना की भी शुरुआत करेंगे।
और आम आदमी की जेब पर एक बार फिर पड़ी है महंगाई की मार। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 1.06 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 2.94 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। नई दरें लागू हो चुकी हैं। इससे पहले 16 अप्रैल को पेट्रोल की कीमत में 74 पैसे और डीजल की कीमत में 1.30 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी। IOCL के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत और डॉलर की तुलना में रुपए के कमजोर पड़ने के कारण कीमत बढ़ानी पड़ी है। मौजूदा बढ़ी कीमतों का असर आम आदमी पर पड़ना तय है, क्योंकि सूखे के बाद हालात ऐसे ही खराब है। पेट्रोल और डीजल की कमी में जिस तरह से कीमत बढ़ रही है, उसके बाद महंगाई बढ़नी तय है।